हाँ जी दोस्तों, अज की असी इस वीडियो में तुम्हें जानकारी देवांगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह की यह योजना है, शहरी लोगों लई अते पिंड दे लोगों लई। उस तहत हर एक व्यक्ति नूं भावें वह सरकारी मुलाजम है, भावें वह प्राइवेट मुलाजम है, जां फिर वह दिहाड़ीदार है, जां फिर वह सब्जी की रेहड़ी लाउंदा है, जां फिर वह अपना व्यापार करता है, भाव कि कोई भी किसी भी किस्म का काम करता है, उसनों यह लोन मिलने योग है। घर बनाने वास्ते यह लोन है अते उस लई ना ही पैन कार्ड की लोड़ है अते ना ही कोई रिटर्न की लोड़ है अते ना ही कोई इनकम सबूत की लोड़ है। कहने का भाव यह है कि जिहड़ी तुहाडे कोल जिहड़ी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा घट है। कहने का भाव कि जेकर सबसिडी घटा के जिहड़ी आपां नूं रेट ऑफ इंट्रस्ट पएगा वह 3% रेट ऑफ इंट्रस्ट पएगा अते यह रेट ऑफ इंट्रस्ट सब तो घट रेट ऑफ इंट्रस्ट है। कहने का भाव कि महीने की 3000 रुपये किस्त दे नाल तुसी अपना एक वधिया मकान बना सकते हो। सो इस में अप्लाई है, ये ऑनलाइन ही लोन अप्लाई होएगा, तुहानू किसी बैंक के चक्कर कट्टन की लोड़ नहीं है। वैबसाइट खोलो अते वैबसाइट ते जाके तुसी अपने आधार कार्ड नाल ये लोन अप्लाई कर सकते हो ते ना ही थोनू बैंक विच जाने की लोड़ है। यह जो लोन है, यह जो शहरी लोन है, यह दो तरह के लोगों को मिलेगा। एक तो जो झुग्गी झोंपड़ियों के विच रहिंदे हन ते दूजी कैटेगरी जिस इन्हां नू छड़ के बाकी सारे आउंदे हन, जिवें कि लिखे ने स्लम डवेलर्स ते होर सिटीजन के लिए। हुण ये आपां जिहड़ी साइट का नाम है वह तुहानू मैं दस देवां कि नाम है साइट का। गूगल दे विच जो तुसी भरोगे PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना तो इत्थे आ जाएगा अपने कोल तीजे नंबर पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इस पर क्लिक करना है तो अपने को साइट खुल जाएगी। ये अपने को साइट खुल गई है। साइट के जाके अपने को जो लिंक है जो मेन्यू बार दे जाके इतनी सिटीजन असैसमेंट पर क्लिक करना है। इतने फोर स्लम डवेलर्स बेनीफिट अंडर 3 कैटेगरी, तुसी बेनीफिट अंडर 3 कैटेगरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने तो बाद थोड़े को विंडो आ जाएगी जिस तुसी अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। तुसी इत्थे आधार कार्ड नंबर मैं अपना खुद का भर के देखदा, तुसी अपना नंबर भरना है। आधार कार्ड नंबर भरन तो बाद इत्थे अपना नेम भरना है जो आधार कार्ड के उपर है। उस तो बाद इत्थे क्लिक हेयर ते क्लिक करके चेक पर क्लिक करो। ये फॉरमैट बी, ये अपने को परफॉर्मा ऑनलाइन परफॉर्मा खुल गया है। ये क्लीयर किया गया कि फोर इनकम ग्रुप ग्रेटर दैन 50,000 पर मंथ कैन नोट अप्लाई। कहने का भाव कि जिसकी 50,000 प्रति महीने की आमदन तो वध है वह इतने अप्लाई नहीं कर सकता। उस तो घट 1,000 तो लैके 50,000 दी वच इनकम वाला इस ते अप्लाई कर सकता है। इतने तुसी स्टेट नेम सिलेक्ट करना है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, सिटी नेम हो गया, शहर नेम हो गया। आपां फटाफट एक फार्म ते नज़र मार लैने भी किवें अप्लाई करना है। आर यू फ्रॉम प्लैनिंग एरिया और डिवेलपमेंट एरिया, तुसी इतने नो क्लिक करना जेकर तुसी पिंड या एक छोटे शहर दे विच रह रहे हो। फिर उस तो बाद अपना नाम भरना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, फादर नेम हो गया, एज ऑफ हैड ऑफ द फैमिली जो मतलब मेन है जो मुखिया घर का उसकी एज कितनी है। उस तो बाद तुसी अपना एड्रेस भरना है। इतने जेकर थोड़े कोल कोई मकान नहीं है तो तुसी किराए वाले मकान का एड्रेस भरना है। जेकर किराए के मकान पर भी नहीं झुग्गी झोंपड़ी विच तुसी रह रहे हो फिर तुसी स्लम डिवेलर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है जिहड़ी कि मैं तुहानू पहले दस चुका हाँ। उस तो बाद स्टेट नेम हो गया, डिस्ट्रिक्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर तुसी अपना चलता हुआ मोबाइल नंबर भरना है, मैरिटल स्टेटस तुसी जो विआए हुए तो भरना, ओनरशिप डिटेल सिलेक्ट ओनरशिप, रेंट पर रह रहे हो अपना मकान है या अपना मकान तुसी मकान दे विच वाधा करना चाहते हो तो होर कमरे पाने हैं तो ओन ते क्लिक करना है, नहीं तो रेंट ते क्लिक करना है। टाइप ऑफ हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, पक्का है या कच्चा है या बिल्कुल कच्चा है, तुसी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इत्थे। उस तो बाद नंबर ऑफ रूम्स इन द डवेलिंग यूनिट, रसोई घर घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या, जो भी थोड़े को कमरे है इत्थे तुसी भर देना है। तो ID प्रूफ तुसी इत्थे पासपोर्ट पैन कार्ड राशन कार्ड रेवन्यू बैंक तुसी इत्थे
जेकर थोड़े को पैन कार्ड है ठीक है, वोटर आई डी है ठीक है, नहीं तो राशन कार्ड से क्लिक कर देना। तो इतने राशन कार्ड से क्लिक करने तो बाद इतने बाकी इतने फैमिली मैंबर डिटेल, जो फैमिली मैंबर जो की है किन्ने वो व्यक्ति के बच्चे हैं, सारी डिटेल इतने आ जाएगी। उस तो बाद रिलीजन हो गया दोस्तों, इतने एक बैंक की ऑप्शन है, बैंक की ऑप्शन से तुम इतने क्लिक करना है, इतने अपनी डिटेल भरनी है बैंक की, जो भी जिससे थोड़ा बैंक का खाता नंबर है, जे है तो ठीक है, जे नहीं है तो कोई लोड़ नहीं है भरन की, जेकर है तो भर देना चाहिए है। उस तो बाद वेदर द फैमिली ओमज हाउस एनीवेयर इन इंडिया, जे थोड़े को इंडिया के कितने भी मकान है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इंप्लॉयमेंट स्टेटस तुम इतने की भरना है, इरेगुलर वेजेस दिहाड़ीदार हो, लेबर हो, अदर जो भी है तुम इतने लेबर पर क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, हाँ देखो दोस्तों इतने बैगर, भीख मंगने वाले, डोमेस्टिक वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, मकैनिक, असेंबली, फार्मर, होम बेस्ड वर्कर, हैंडीक्राफ्ट, टेलर, नॉन वर्क, हर एक लिए लोन की ऑप्शन इतने है, कोई भी इतने अप्लाई कर सकता है। एवरेज मंथली इनकम जिनी भी है थोड़ी ये तुम्हें भरनी है, पर इनकम जो है मोस्टली इनकम जो होएगी एक व्यक्ति की, देखो गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं भी होएगा तो 15-20 हज़ार इतनी इनकम भर सकता है। उस तो बाद जेकर थोड़े को BPL, डज द फैमिली हैव ए BPL कार्ड, BPL कार्ड है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। न्यू हाउस है या इनहेंसमेंट है, न्यू हाउस जी तुम नवा मकान लेना, इनहेंसमेंट मतलब पहला बनया हुआ तो उसनों होर बढ़ाना है। ये सारा परफॉर्मा भरन तो बाद इतने क्लिक करना है, तो कैप्चा कोड इतने भरना है, कैप्चा कोड भरन तो बाद सेव कर देना, तुम इतने थोड़ा ये फार्म अप्लाई हो जाएगा। उस तो बाद बैंक को डिटेल चली जाएगी, बैंक इसनों वेरीफाई करेगा, जो भी सरकार जड़े भी बैंक में थोड़े जो डाटा भेजेगी वो बैंक वेरीफाई करेगा, तो बैंक थोड़े तक अपने आप पहुँच करेगा। सो जेकर तुसी मकान पाउन दे इच्छुक हो तो यह लोन जरूर ले लिया जाए, क्योंकि इसकी ब्याज की दर है।